चंडीर को आला सम्राट लल्लू वाजपेयी जी ने स्थापित करवाया था यहाँ पे। तो चैनल का नाम है यूपी वाला आला, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, फेसबुक पर देख लेना, यूपी वाला आला नाम से आएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी आला के यहाँ पे आते हैं। आप जो एड्रेस पूछ रहे थे आप देख पा रहे हैं श्री मनसाराम बाबा मंदिर, और नीचे आप देख पा रहे हैं ग्राम पोस्ट नारायण दास खेड़ा, ठीक है, ये है गांव का नाम, आप लोग देख लीजिए प्रॉपर, ठीक है। प्रोग्राम करीब 6 बजे तक चलता है, 6 बजे तक। मौसम के ऊपर शकुन सिंह साक्षी महाराज, आशुतोष शुक्ला विधायक। कितने सालों से होता आ रहा है यहाँ पे आला का प्रोग्राम? ये लगभग जो है करीब 70-75 साल हो रहे हैं। 70-75 साल हो रहे हैं। आ दिया, इनमें क्या करना है सभी लोगों को? जिला उन्नाव, जिला उन्नाव, ये ऊंट गांव के भोजपुर रोड पे पड़ता है गांव। और फेसबुक पर मैंने डाला हुआ था वो गया वीडियो 5 लाख प्लस, ठीक है, तो आप लोग जाकर देखिए और अच्छा सपोर्ट करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सो फाइनली दोस्तों आज हम हाजिर हैं उस जगह पे जहाँ पर आप लोग बहुत दिन से रिक्वायरमेंट कर रहे थे। एक वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मतलब 5 लाख प्लस गया है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे गया हुआ है 3 लाख प्लस। तो बहुत सारे उसमें कमेंट ऐसे थे कि ये जो आला का प्रोग्राम है आला सम्राट लल्लू वाजपेयी जी का, तो ये होता कहाँ पर है, किस मंदिर पे होता है, कहाँ सा गांव है, कौन सा पोस्ट है, कौन से ज़िले में है, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और वह प्रोग्राम जो है वो कल की डेट में होने वाला है। डेट आपको बताने वाला हूँ क्योंकि हमारे साथ में आज हैं उनके लड़के संतोष कुमार जी, ठीक है। सारी चीज़ आपको बताएंगे, ये क्या क्या फंक्शन होता है यहाँ पे, कैसे क्या है, कौन सा मंदिर है, सारी चीज़ ब्रीफ में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इस वीडियो को भी आप लोग कंटिन्यू प्यार देना। तो भैया आप अपना नाम क्या बताइए, पूरा नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार वाजपेयी, हाँ, उर्फ पप्पू वाजपेयी। अच्छा, ग्राम पोस्ट नारायण दास खेड़ा। तो अब आप मुझे ये बताइए जो अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे होता है, प्रोग्राम कितने सालों से होता चला आ रहा है यहाँ पे? लगभग जो है करीब 75 साल हो रहे हैं। 75 साल से होता चला आ रहा है यहाँ पे। तो 75 साल से पुराना ये आला प्रोग्राम चल रहा है, इनके पिताजी चलाते थे जो कि आला सम्राट लल्लू वाजपेयी, सब कोई जानता है। अगर जो ना जानता तो गूगल में सर्च कर लेना, आपको सारी चीज़ मिलने वाली है। तो चलो सबसे पहले आपको ब्रीफ करते हैं कौन सा मंदिर है, कहाँ पे होता है, पहले वो आपको वो स्टोरी दिखाते हैं। सो फाइनली देख लो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे हैं, वीडियो में आ रहे हैं, सब लोग को फॉलो कर लो, ठीक है। ये सब देखते हैं वीडियो, कब से देख लो वीडियो हमारे? बहुत दिन से। तो आज तुम्हारे यहाँ का सारा मंदिर का वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे मंदिर है महावीर बाबा का मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है। चाचा कितना पुराना मंदिर होगा ये? कम से कम 20-25 साल का होगा। 20-25 साल पुराना, ये नया निर्माण हुआ था इसका, ये नया निर्माण हुआ। और इसके जस्ट एक बाजू में मंदिर है यहाँ पे जो श्री मनसाराम बाबा मंदिर का है, ठीक है। ये है मेन मंदिर जो इस मंदिर को आला सम्राट लल्लू वाजपेयी जी ने स्थापित करवाया था यहाँ पे स्वयं से। तो ये वाला अपना मंदिर कितना पुराना होगा? ये कम से कम नहीं तो पहले चबूतरा बना हुआ, हाँ, उसके बाद उसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था। अच्छा। हाँ, तो कम से कम इसका तो पता ही नहीं कितने दिन हो गए, मतलब 200-400 साल हो गए होंगे इसको ना, इसके नीचे नहीं। हाँ, कम से कम इसका जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। अच्छा। तो ये आप सामने मंदिर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आप जो एड्रेस पूछ रहे थे आप देख पा रहे हैं श्री मनसाराम बाबा मंदिर, और नीचे आप देख पा रहे हैं ग्राम पोस्ट नारायण दास खेड़ा, ठीक है, ये है गाँव का नाम, आप लोग देख लीजिए प्रॉपर, ठीक है। नारायण दास खेड़ा, इसी गांव में होता है प्रोग्राम, ठीक है। अभी आपको हम लोकेशन भी दिखाएंगे कहां पर होता है। तो ये मंदिर है, चलते हैं ऊपर, आप लोग को बाबा के दर्शन कराते हैं। पहले बम बम बोले, बम बम बोले, इधर देखो, ये है मेन मंदिर जिसको वाजपेयी जी ने इसका निर्माण करवाया था इसको स्वयं से। तो इधर ये देख पा रहे हैं, ये भोले बाबा का मंदिर है, और जस्ट ये इसके जस्ट और आगे आप देख पाएंगे पूर्वी माता का है। पूर्वी माता, अच्छा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी स्मारक यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देख पा रहे हैं सारे बच्चे हमारे साथ में, बम बम बोले, ये सब इन्हीं के गांव के हैं लोग, ठीक है, बहुत आला के सुनने के शौकीन है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं मंदिर के बारे में, कुछ यहाँ पर कुछ दुआ हुआ लिखे गए हैं, तो आप देख सकते हो घंटियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं बहुत सारी, और पंखा भी ऊपर लगा हुआ है। तो ये मेन मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोग को दिखाया कि ये मंदिर जो पहला पुराना मंदिर था मनसाराम बाबा का मंदिर, तो ये मैंने आप लोग को दिखा दिया है। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पे होता है प्रोग्राम, ठीक है। आला का जो प्रोग्राम हर साल होता है वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर दिखाते हैं। वहाँ पर भी एक मंदिर है, उस मंदिर को भी दिखाते हैं, पूरा ग्राउंड भी दिखाते हैं कहाँ पे कैसे क्या होता है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना क्योंकि दोस्तों जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें बहुत सारे गेस्ट लोग आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो सारी चीज़ें आपको चाचा से आपको बतवाएंगे यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में जानकारी हो जाएंगी। दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं वो जो गेट वहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का,
उस गेट से आपकी एंट्री होती है, वो दोस्तों वहाँ पे मेन हाईवे, ठीक है, उस मेन हाईवे से आप एंट्री करेंगे, ऐसे करके आप आएंगे यहाँ पे सामने, ठीक है, इसी खरिंजा मार्ग से आप आएंगे यहाँ पे, और जस्ट सामने आप देख पाएंगे यहाँ पर टेंट लगा होगा। और जब कल आप यहाँ पे आएंगे 11 से 12 बजे तो आप देख पाएंगे कि जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस जगह में पूरा आपको मेला लगा मिलेगा, पूरा मेला यहाँ पे लगा होगा, पूरी दुकानें यहाँ पे लगी होंगी, ठीक है। इधर बाजू में पेट्रोल टंकी भी है यहाँ पे, तो इस जस्ट बाजू में इधर आप यहाँ पे फिर आएंगे सामने, तो यहाँ पे आपको टेंट लगा दिखाई पड़ेगा, प्रॉपर यहाँ पे टेंट होगा। और इस जो मंदिर को आप देख पाएंगे, जस्ट बाजू में मंदिर आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर पे मंच लगता है, जहाँ पे आला गायक जो लोग आते हैं वो यहाँ पे आला गाते हैं, ठीक है। तो इधर आप देख पाएंगे मंदिर का भी थोड़ा सा मेंटेनेंस भी हुआ है, पुतवाया गया है, इसको रेडी कराया गया, क्योंकि दोस्तों फंक्शन होता है तो इसको पहले से रेडी करा देते हैं इसे। और देख पाएंगे बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखो सिस्टम सब बता रहे हैं भैया, ये मंदिर पूरा है नागेश्वर बाबा का, ठीक है, आप देख पा रहे हैं नागेश्वर बाबा का मंदिर है, ठीक है। अभी चलेंगे अंदर, आपको अभी दिखाएंगे। तो इधर ये जो आपको जगह देख पा रहे हैं, इधर जस्ट हमें यहाँ पे मंच लग जाता है, इधर साइड में सारे आपको साउंड बार मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर जब कल आप आएंगे तो आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी बैठने की, ये सारा पूरा भरा होगा, ऊपर भी टेंट लगा होगा, यहाँ पर भी कई सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और इधर सब सारे बच्चे लोग हैं, बम बम बोले, वीडियो को लाइक करना है, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, बोलो एक बार, तो चलो देखो बच्चे लोग सारे सपोर्ट में है अपने, चलते हैं मंदिर, बम बम बोले, चलते हैं मंदिर बाबा के दर्शन करा। तार कटा हुआ है, लाइट आ रही क्या उस पे? नहीं आती होगी। अच्छा अच्छा, तो अंदर चलेंगे ना, उसको छुएंगे नहीं इसको, बम बम बोले, तार देख के आना, ठीक है, बम बम बोले। ये देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर नागेश्वर बाबा का मंदिर है ये, ठीक है, ये है नागेश्वर बाबा का मंदिर। और ये आप देख पाएंगे पुराना, सब पुराने हिसाब से बना हुआ गुंबद है पूरे, इसमें ऊपर आवाज़ें किसकी आ रही हैं? तो चिड़िया इस पर दोस्तों बहुत सारी हैं, ठीक है, थीके? उनकी सबकी आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, कबूतर होंगे यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, और बहुत ऊंचान में है। और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मंदिर देख पा रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं, मंदिर है यहाँ पे बजरंग बली के, भोले बाबा के, सबके मंदिर है यहाँ पे, अंदर साइड पे देख पाएंगे, ये देख पा रहे हैं, ये सारे यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। और इधर अपने नंदी बाबा हैं यहाँ पे, और ये है मेन मंदिर, ठीक है। तो यहीं पे कल आपको लोगों को आना है आला सुनने के लिए। अब चलते हैं बाहर, आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में जानकारी दिलवाते हैं कैसे क्या है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को मैंने दर्शन भी करा दिए नागेश्वर बाबा के और मनसाराम बाबा के, जो दो मंदिर यहाँ पे, पहले मनसाराम बाबा का मंदिर था, उसी उन्हीं की जगह पे यहाँ पे एक नागेश्वर बाबा का मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ दिखा दी, जो प्रोग्राम भी होता है वो नागेश्वर बाबा मंदिर पे होता है, ठीक है। मैंने सारी लोकेशन भी आपको दिखा दी कहाँ पे कैसे क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बाहर साइड से और दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे हैं आसपास में, तो थोड़ा सा आप जब आप नए होंगे आप आएंगे तो आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। सो फाइनली दोस्तों आप देख पाएंगे इधर साइड पे जो पुराना गुंबद आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे देख पा रहे हैं पीपल का पेड़ भी, पीपल का है ना वो, पीपल का पेड़ भी ऊपर देख पा रहे हैं जगह, सोचो माटी भी नहीं है वहाँ पर, पीपल का पेड़ वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, बाबा की सब कर पाया। वो देखो पुराना मंदिर है बहुत, समथिंग कितने साल पुराना होगा ये? 500 साल से ज्यादा पुराना मंदिर ना? अच्छा 1000 वर्ष पुराना हो गया है, तो बहुत पुराना मंदिर है, 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, ठीक है। और यहीं पे सारा प्रोग्राम होता है, यहीं पे सारे मंच लगेंगे, यहाँ पे सारी चीजें। और त्रिशूल घूमता है वो हमेशा? अभी तो नहीं घूम रहा है वो, अभी धीरे धीरे घूमेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, धीमे धीमे घूमता है वो, ओके। और जस्ट बाजू में आप देख पाएंगे यहाँ पे तालाब भी है, ठीक है, साइड में आप तालाब दिखेंगे। और यहाँ पे दो मंदिर और भी, ये वाला कौन सा मंदिर है अपना? भोलेनाथ को भी है, एक ही मंदिर है वो शीतला मैया का मंदिर है। दो मंदिर यहाँ पे और भी देख पा रहे हैं, कुर्सी बहुत सारी वहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है, सब कल की तैयारी हो रही है। और जस्ट बाजू में आप यहाँ पे स्कूल है, स्कूल भी यहाँ पे, और यहीं पे सारे फंक्शन होने वाले देख पा रहे हैं। सब बच्चे भी मैच खेल रहे थे, देखो आ गए भैया। क्या नाम है तुम लोगों का? इधर देखो, इधर शिवांग, कल आला का प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बट कोई सामने से नहीं बोल रहा है कैमरा से, इतना डर रहे, देख लो भाई लोग अपने दोस्तों यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे आला वाला जो प्रोग्राम का है, कब से शुरू हो रहा है, कितने समय तक चले, कौन कौन आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ के गांव के मिल गए हैं, ठीक है, ये सब देखते हैं वीडियो हमारे, तो सबको थोड़ा थोड़ा परिचय करा दे सभी लोगों से। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य प्रजापति। कहाँ से हो? नरानदास। नरानदास, तुम लोग नाम बताओ अपने अपने। रोहन, अर्पित। अर्पित और आर्यन राजपूत। आर्यन राजपूत। इधर कौन कौन है? कृष्णा। और ऋतिक।
अच्छा तो तुम लोग सब कब से देख रहे हो वीडियो हमारे? सही बताना, दो साल से वीडियो देख रहे हो? सब लाइक शेयर करते हो? तो चलो अब ये सारा वीडियो बना दिया, इनमें क्या करना है सभी लोगों को? तो बच्चों ने बोल दिया, देखो सब लोग लाइक फॉलो शेयर कर लो, ठीक है? चलो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, आगे के वीडियो आपको बताते हैं यहाँ पे कैसे क्या इन्फॉर्मेशन हो रही है, वीडियो में आप लोग बने रहो। फाइनली दोस्तों अब आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन दिलवाते हैं चाचा से। तो चाचा सबसे पहले ये बताइए, प्रोग्राम कितने समय से स्टार्ट होगा कल? प्रोग्राम 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे शुरू हो जाएगा। और जो यहाँ पे बहुत सारे लोग गेस्ट लोग आने वाले हैं, तो कौन कौन यहाँ पे आने वाला है? उसमें देखो निमंत्रण तो गया है ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, और शकुन सिंह, साक्षी महाराज, आशुतोष शुक्ला विधायक, और वाजपेयी जी हैं आपके गोरैया के। अच्छा अच्छा। और इस तरह काफी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन कौन यहाँ पाता है? हाँ, मौसम के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गेस्ट, राजेश्वर जी आ रहे हैं। ये कौन है? राजेश्वर कोई उपाध्यक्ष हैं उसके, नगर निगम के। अच्छा 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 अच्छा। तो भी आ रहे हैं, निमंत्रण सबको दिया गया। तो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पे आने वाली है, वो कल आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग को आला सुनना है, देखना है कहाँ पे क्या है, तो आप थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ पे बताओ कि अपना जो लोकेशन है कहाँ पे, कैसे गांव बताइए, पोस्ट बताइए पूरा, और किसके नियर बाई में अपना गांव है, किसके आसपास गांव लगता है आपका? मेरा नाम तो संतोष कुमार वाजपेयी है। हाँ, उर्फ पप्पू वाजपेयी। पप्पू वाजपेयी, ग्राम पोस्ट नारायण खेड़ा, जिला उन्नाव। ये ऊंच गांव के भोजपुर रोड पे पड़ता है गाँव। ऊंच गाँव चौराहा जो है, उससे जब भोजपुर रोड पर जाइए, एक आधा किलोमीटर पे पड़ जाता है गाँव। आधा किलोमीटर दूरी पे है, बट आप जब कल आप आएंगे ना दोपहर के समय में, तो आपको एक बार चौराहे में पूछ लेंगे ना, आपको बच्चा आपको बता देगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ होगा कि आपको कहीं ज्यादा पूछना नहीं पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको कल बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज्यादा भीड़ लगती है, मेला लगता है यहाँ पे। अच्छा, ये कितने सालों से होता आ रहा है यहाँ पे आला का प्रोग्राम? ये लगभग जो है करीब 70-75 साल हो रहे हैं। 70-75 साल हो रहे हैं। पिताजी को न रहे करीब 12 साल हो रहे हैं। 12 साल एक्सपायर हो गए होंगे ना? 12 साल उनको हो रहे हैं। और करीब करीब जो करीब 20 साल की उम्र से अलग आ रहे थे, गा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो 20 साल की उम्र से अलग अपने गुरु जी गा रहे थे यहाँ पे? 20 साल की उम्र से करीब हुए। अच्छा, गा तो करीब 12-14 साल की उम्र से रहे। अच्छा 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 अच्छा। फेमस 20 साल की उम्र से हुए। तो उनके बहुत सारे वीडियो आपको अगर पुराने देखने हैं, तो आप उनको बहुत सारे चैनल पे मिल जाए, कन्हैया कैसेट पे, जो पहले कैसेट चलती थी वहाँ पे आपको देखने को मिले, कन्हैया कैसेट, गंगा कैसेट, उनके उसमें वीडियो पड़े हैं जो उस समय के बहुत बड़े लेवल के कैसेट के लेवल थे, ठीक है? तो उनमें उनके वीडियो आते थे, बट अब बहुत सारे जो यहाँ पे उनके शिष्य हैं, आला गायक हैं, बहुत सारे उनके शिष्य हैं, शिष्य आए, तो वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत जितने ज़्यादा मैक्स टू मैक्सिमम हो पाते हैं वो सारे लोग आएंगे। उनके बहुत सारे वीडियो हमने जो 2 साल से प्रोग्राम यहाँ पे मैं पहले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उनके सारे वीडियो आपको पहले से भी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। एक चैनल मैंने बनाया आला के लिए, तो चैनल का नाम है यूपी वाला आला। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, फेसबुक पर देख लेना, यूपी वाला आला नाम से आएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जितने भी आला गायक यहाँ पे आते हैं, आला केसरी हो गए, ठीक है, और जितने भी नेहा सिंह हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आला गायक हैं, सेलू सिंह, ठीक है, नैना गौतम, जितने भी लोग हैं, इनके सारे वीडियो पड़े हुए हमारे चैनल पे, आप लोग जाके जो पिछले साल का था प्रोग्राम वो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। तो और कोई इन्फॉर्मेशन है इसके अलावा? और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है, यही है कि मौसम पे डिपेंड करेगा जो कुछ। अच्छा 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 अच्छा। जो अपना आला गायन वाला सिस्टम वो कितने समय से स्टार्ट होगा? 12 से प्रोग्राम 12 बजे से स्टार्ट होगा, 12 से चालू हो जाएगा, 12 बजे से चालू हो जाएगा। और कितना समय तक चलता है अपना प्रोग्राम? ये प्रोग्राम करीब 6 बजे तक चलता है। 6 बजे तक, मौसम के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड है, मौसम पर डिपेंड है, बाकी 6 बजे तक चलता है। तो ये सारा प्रोग्राम दोस्तों शुरू हो जाएगा, ठीक है, 12 बजे से आपका 6 तक प्रोग्राम चलेगा, 6 घंटे का प्रोग्राम रहता है, और बहुत ही आनंद में होगा, आप लोग जरूर आएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं, नए लोग हैं, आप लोग सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है, नारायण दास खेड़ा ऊंच गांव के नियर बाई पड़ता है। आप हमें वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कुछ और बता ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर हमें संपर्क कर लेना, अगर आपने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो, कि वहां पर दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला हुआ था वो 4 लाख प्लस गया हुआ है, और फेसबुक पर मैंने डाला हुआ था वो गया वीडियो 5 लाख प्लस, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिए और अच्छा सपोर्ट करिए, यूपी वाला आला नाम और यूपी वाला छोरा नाम से, ठीक है। छोरा वाले पे आपको ब्लॉग मिलते हैं और आला वाले पे आपको आला की वीडियो मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, सो बम बम बोले, कल मिलते हैं आप लोगों से। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, बाय बाय। चलो बाय बाय करो, ठीक है, सब लोग शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बच्चों ने बोल दिया है, चलो बाय बाय।